फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स ये मेरे मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट है और इसकी मैं कटिंग ग्रो कर रही हूँ। मैं दो नोड ले रही हूँ और ग्रीन जो लीफ है इसके नीचे से और स्टेम्स निकलेगी फ्रेंड्स, और ये जो स्टेम्स है इसको मैं पिंच कर रही हूँ ताकि बुशी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप पहले सबसे पहले जो है आपको सीजर है जो ले रहे हैं, आप कटर ले रहे हैं, उसको आप पहले सैनिटाइज करना ना भूलें, उसके बाद इसको आप कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जब प्लांट आपका बड़ा हो जाए, 4-5 इंच की कटिंग आपने लेनी है तो इतना लंबा होना चाहिए कि दो नोड हमारे नीचे रह जाए और दो नोड को हम कट कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने प्लांट की जो कटिंग है उसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी मेरे प्लांट है इसकी जो सीड है वो कैसे जर्मिनेट हुए हैं और कैसे मैंने उनको रिपोर्ट किया है फ्रेंड्स, वो पूरा अपडेट की जो लिंक वीडियो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने मेरे जो 3 दिन के सीड वो कितने थे, उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट किए वो कैसे थे और मैंने कैसी मिट्टी में इनको ग्रो किया है और इतने हेल्दी प्लांट है फ्रेंड्स। आजकल बहुत कीड़े का अटैक होता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे कितने हेल्दी प्लांट है और इसी से मैं कटिंग लेके कटिंग ग्रो करूँगी और न्यू प्लांट बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो ये इसमें जो है आजकल माइट का बहुत अटैक होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें जो है मैं जो माइट का है वो इसमें इंटरपीड कॉन्फिगर और जो ओवेरॉन है उनके 1 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते। किसी भी प्लांट में अगर माइट की प्रॉब्लम है तो ये आप कर सकते। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी कोकोपीट है, केवल सिर्फ कोकोपीट में करती हूँ फ्रेंड्स, और पहले मैंने रेत में की थी। तो आप जो इसके लिए है रेत, पूरी रेत ले सकते हैं और आप कोकोपीट ले सकते हैं, और फ्रेंड्स हाफ मिट्टी हाफ आप रेत भी ले सकते हैं, हाफ कोकोपीट हाफ मिट्टी भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से अगर मिट्टी लेते हैं तो भी ये ग्रो होते हैं फ्रेंड्स। जो कटिंग है उस कटिंग में आप जो है एलोवेरा का रूट हार्मोन, नेचुरल रूट हार्मोन लगा सकते हो, एंटी फंगल का काम भी करता है, तो वो अच्छे रूट हार्मोन होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप कहीं से उसको तो छोटा सा ले आकर भी आप उसको रूट हार्मोन के काम लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा काफ़ी लंबा प्लांट हो गया है और मैंने हवा बहुत चल रही थी इसीलिए मैंने इसमें जो है स्टेम्स जो लगाई हुई है, मैंने काफ़ी प्लांट्स में लगाई है स्टेम फ्रेंड्स, तो क्यों मेरा जो प्लांट है वो हवा से टूट ना जाए इसीलिए मैंने ये धागा और स्टेम। देखिए फ्रेंड्स इस स्टेम की सहायता से आप होल कर सकते हैं, अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। अगर हम होल नहीं करेंगे एलोवेरा जेल भी हट जाएगा और हमारी जो जो कटिंग है वो टूट भी सकती है फ्रेंड्स। ये मैं इस एलोवेरा के जेल में जो स्टेम है उसमें लगा लिया है और मैं इस कटिंग को लगा दूँगी इसकी स्टिक की सहायता से। तो फ्रेंड्स ये मैंने पानी में रख लिए थे, गर्मी बहुत हो गई है तो धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी का मौसम है। तो मैंने इसको 1 घंटे पहले कट किया था तो इसकी जो स्टेम की जो मॉइस्चर है वो सूख ना जाए इसीलिए मैंने इनमें पानी में डाल के रखा था फ्रेंड्स। अब मैं इन कटिंग को ग्रो करूँगा और ये जिस प्लांट को मैं आपको दिखा रही हूँ वेरिएटेड वाला प्लांट है, इसकी जो कटिंग है फ्रेंड्स इसकी भी मैं कटिंग बताऊंगी कैसे लगाते हैं, कैसे सक्सेसफुल होती है। ये जो कटिंग है मेरी ग्रो होगी हुई, इसमें मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मेरे पास स्पॉट नहीं है तो इसीलिए मैं इसी में ही कटिंग ग्रो करूंगी, मेरे पास इसमें स्पेस है तो इसको मैं डिस्टर्ब बिना करे इसमें कटिंग लगाऊंगी, और कुछ मेरे रेत में है जगह उसमें भी लगाऊंगी फ्रेंड्स मैं कटिंग। तो देखिए इस तरह से आप कटिंग ग्रो कर सकते। ये 3 दिन का अपडेट है फ्रेंड्स, 3 दिन में ही इसमें रूट आ गई हुई है। इसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है और मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो ये 3 दिन के बाद फ्रेंड्स ये न्यू न्यू लीफ आई, इसमें कोई लीफ नहीं था फ्रेंड्स। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे जो रूट है वो बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो कटिंग लग के इसको डिस्टर्ब ना करें, इसके जब न्यू लीफ आना शुरू हो जाए तो पता चल जाता है कि हमारी जो कटिंग है वो ग्रो होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये जो कटिंग मैं लगा रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल लगा के मैं इस कटिंग को लगा दूँगी और स्टिक की हेल्प से मैं होल्ड करके। तो ये जो कटिंग है एक तो मेरी कटिंग जो है वो टूट सकती है, टूट ना जाए, और दूसरी है जो मेरे जो एलोवेरा जेल मैंने लगाया है वो इस कटिंग में ही रहे, और इसको अच्छे से करना है प्रेस फ्रेंड्स। तो प्रेस करके मेरी कटिंग जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, वो
बिल्कुल जो है वो टाइट होनी चाहिए और ऐसे एलोवेरा जेल लगा दूँ। मैं एक हाथ से काम करती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे एलोवेरा जेल लगाना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी कटिंग मैं लगा के आपको जो वीडियो है वो मैं पूरा दिखाऊँगी, पूरा लगा के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम जो है वो वॉटरिंग करेंगे। वॉटरिंग करने के बाद मैं दूसरा जो मेरा अपडेट है जिसमें मैंने पहले कटिंग ग्रो की थी, यही कटिंग और वो मेरे रेत में है, ये कोकोपीट में है, उसको ही उसमें भी थोड़ा सा स्पेस है, उसमें मैं कटिंग थोड़ी सी ग्रो करूँगी फ्रेंड्स। तो आप इतनी कटिंग लेके सारे लीफ हटा के कटिंग अपनी लगे, ये मेरी कटिंग है मैंने लगा दी है सारी, और ये सारी लगा दी है मैंने, इसमें वॉटरिंग कर ली है। और जो मेरी पहली कटिंग मैंने ग्रो की थी इसी प्लांट की, उसका अपडेट देखो ये सामने है फ्रेंड्स, जिनके पत्ते थोड़े येलो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसी में मेरी जो मैंने छोटी कटिंग और लगाई है जो उसमें स्पेस था, तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी रूट्स आई हुई हैं। और ये मेरी जो है वो सैंड में है, रिवर सैंड में है, रेत में है, इसमें कोई खाद नहीं दी हुई। 3 दिन के बाद जो मेरी कटिंग है वो आ गई थी, रूट इसमें बन चुकी थी। अभी देखो नीचे से दिखाई दे रही रूट, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मैं इनको रिपोर्ट करूँगी, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं इसी में ही जो कटिंग है वो मैं लगा दूँगी। मेरे प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे और ये समर का सीज़न है, रेत में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती, मैंने छाया में रखा था फ्रेंड्स। और डेली मैं वॉटरिंग करती थी, इसमें डेली वॉटरिंग करना, और एक पेड़ की छाया में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ऐसी कटिंग ग्रो करें फ्रेंड्स आप ढेरों, और फ्री के नर्सरी से हमें 40-50 रुपये का एक प्लांट मिलता है, तो आप फ्री के प्लांट घर में ग्रो कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ढेर सारे किसी भी मौसम में मैरीगोल्ड के प्लांट आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो भी आप जो कैंची आप यूज़ कर रहे हैं या आप कुछ भी सीजर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी और टूल यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जो है उसको सैनिटाइज करना ना भूलें। उसको फ्रेंड्स आप सैनिटाइज कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप अपनी जो कटिंग को है वो कट कर सकते हैं। तो ये मेरी जो कटिंग है फ्रेंड्स, इनको मैं लगा रही हूँ, मुझे एक हाथ से मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, तो जेल लगाना फ्रेंड्स। तो मैं जेल लगा के इनको अच्छे से प्रेस करके इसमें सभी को ऐसे स्टिक की हेल्प से इनको प्रेस करके होल बना के, होल बनाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। जो हमने रूट हार्मोन एलोवेरा जेल का लगाया है वो हमारा जो है वो वेस्ट ना हो, वो स्टिक उसमें ही कटिंग में ही रहे, तो इसीलिए होल बना के हमें उसको सीधा उसमें डालना है और उसको प्रेस करना है। जो रूट हार्मोन है वो हमारा कहीं अगर हम ऊपर से दबा के करते हैं हमारी रूट भी टूट सकती है, और जो हमारा रूट हार्मोन है वो भी हमारी स्टेम में से हट जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें होल स्टिक की हेल्प से ज़रूर करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो कंटेनर था मेरा, मैंने हाफ हाफ करके ये काट दिया है। इसमें मैं मैरीगोल्ड फ्लावर या कोई और फ्लावर सी इसमें जो वो करते हैं, मैंने यहाँ से कट किया था, तो 3 जो स्टेम है वो निकल चुकी थी। तो ऐसे आप बुशी कर सकते हैं, जब आपकी 3-4 या 5 इंच की कटिंग हो जाती है तो आप उसको ऊपर से कट कर दें, तो वहाँ से 3-4 ब्रांचेज आपके नहीं निकल जाएगी। तो ये स्टिक मैंने दी हुई है, काफ़ी लंबे हो गए, तो हवा बहुत चल रही थी इसकी वजह से। आप देखेंगे कितने सारे मेरे प्लांट हैं। आप फ्रेंड्स इसको जो पेड़ की छाया है वो कटिंग को वहाँ रखें, और सभी प्लांट को गर्मी में इकट्ठे इकट्ठे रखें फ्रेंड्स, ताकि आपको जो प्लांट है वो हेल्दी रहे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।